हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शास की दुनिया। जो भी मेरे चैनल पर नए आए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए एंड हिट द बेल आइकन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड बनाना मिल्क शेक। तो चलते बनाने की तरफ, लेट्स बिगिन। मिल्क शेक बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ लीटर दूध लिया है, मिल्क उसे उबाल लीजिए। देखिए मैंने दूध उबल चुका है, मैं इसे अलग से पतीले में निकाल लेकर रख लूँगी। उसके बाद मैंने कस्टर्ड पाउडर लिया है मैं इसमें 2 स्पून कस्टर्ड पाउडर ऐड करूँगी और इसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके हमें कस्टर्ड को मिक्स कर लेना है ताकि कुछ भी लम्स ना रहे। मैं कस्टर्ड पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जो दूध मैंने निकाल लिया था वो मैं फिर से गैस स्टोव पर रख लूँगी और मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैं इसमें जो मैंने कस्टर्ड लिक्विड मिक्स किया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये कस्टर्ड मिक्सचर मैंने पूरी तरह से ऐड कर लेना है हमें इसमें। इसके बाद मैं इसे अच्छे से फिरा लूँगी और इसे मैं गैस पर थोड़ी देर पकने के लिए रख दूँगी। यहाँ पर मैंने थोड़े से बनाना काट कर रख लिए हैं एक प्लेट में, तो मैं ये बनाना मिक्सचर जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लेना है। मैंने बनाना को पीस लिया है, तो अब मैं जो मैंने कस्टर्ड मिल्क मिलाया था वो मैं इसमें ऐड कर लूँगी। वो पक चुका है, देखिए मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लूँगी और इसे पीस लेना है। देखिए मैंने पीस लिया है, इसे चलिए निकालते हैं। तो मैंने इसे जग में निकाल लिया है। उसके बाद मैंने बाकी का जो बचा हुआ मिक्सर कस्टर्ड था वो मैं इसमें ऐड कर पीस लूँगी और मैं इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं, वो ऑप्शनल है। आपको ठंडा चाहिए तो आप ठंडा आइस क्यूब्स ऐड कर सकते हैं, तो मैं ये बचा हुआ जार भी इसमें डाल लूँगी। तो मैंने मिल्क शेक को पीस लेना है, तो मैंने पीस लिया है और मैं इसे जार में निकाल लूँगी। देखिए मेरा कस्टर्ड बनाना मिल्क शेक रेडी है। इसे क्लोज कर फ्रिज में रख देना है। 2 hours later मेरा मिल्क शेक ठंडा हो चुका है, तो चलते हैं इसे सर्व करने की तरफ। तो मेरा मिल्क शेक रेडी है। यहाँ पर मैंने थोड़े से डेट्स लिए हैं यानी खजूर, मैं इसे काट कर इसमें ऐड कर लूँगी। इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होगा, ये आप ट्राई कीजिए। आई होप गाइस आपको कस्टर्ड बनाना मिल्क शेक की रेसिपी अच्छी लगी है, बहुत ही यूनिक है, मैंने ट्राई किया, आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू एवरीवन।